गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, वेलकम बैक टू माई चैनल। आशा करती हूँ मैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, कॉफ़ी के साथ मॉर्निंग इन्जॉय कर रहे होंगे, लेकिन चाय के साथ भी कई लोग इन्जॉय करते हैं। तो मैं आज कॉफ़ी के साथ इन्जॉय कर रही हूँ और आज मुझे जाना है मेरी फ्रेंड के यहाँ कुछ डेकोर करने, क्योंकि कुछ स्पेशल बर्थडे है। तो मैं फटाफट पहले घर का काम कर लूँ, फिर मैं अपना काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं 3 o'clock जाऊँगी। 3 बजे मैं सोच रही हूँ जाने का, 2 घंटे लगेंगे, फिर इवनिंग के पहले सब कुछ हो जाएगा, वरना यार मैं एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि फटाफट मेरा भी काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद मुझे मेरा अपना काम सारा हो जाए, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि आज मैं डेकोर जो है मैं कुछ अलग सोच के रखी हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि ये रोटियाँ ऐसे फूल रही हैं, फिर मैं क्या बना रही हूँ? ये बना रही हूँ मैं रोल। आज टिफिन में यही है। ये इजी रहता है और एक्चुअली मैं सोच रही हूँ आटा खरीद के नहीं लाना, आशीर्वाद इज वेरी बैड आटा। ये देखो रोटियाँ टूट रही हैं, टूट जाती हैं, सॉफ्ट नहीं रहता। गेहूँ ला के पिसवा के फिर करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं 3 o'clock का आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने डेकोर किया। तो उसके लिए चाहिए आपको 2 स्टिक, हमने इस बार लिया है पतला, 2 कर्टन है, दो साड़ी है और एक मैट्रेस है। मैट्रेस के ऊपर आप कोई भी शीट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, लाइट डार्क जैसा आपको लगाना है वैसा। उसके लिए एक शीट, एक जो आग फ्रंट में टेबल जैसा कुछ बनाएंगे उसके लिए एक शीट वो ले लीजिए केक रखने के लिए। फिर स्टार्ट करेंगे, 2 पॉट चाहिए आपको ये दोनों स्टिक को खड़ा करने के लिए और ऊपर सिक्योर करने के लिए सेलोटेप चाहिए। उससे दोनों स्टिक को बीच में अच्छे से रख के बीच में आप सेलोटेप लगा दीजिए, जिससे वो सिक्योर हो जाए। और फिर नीचे के पार्ट को आप अंदर मिट्टी में डाल दीजिए, मिट्टी पालो मिट्टी। अब नीचे पॉट में ये मिट्टी को दबा के इसको फिक्स कर दीजिए कि ये हिले नहीं, अच्छे से दबा दें मिट्टी नीचे से और फिर इसको अच्छे से खड़ा कर दें। अब मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ आपको। ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था फ्रंट वाइट, तो हम लोगों ने इसको बैक किया और फ्रंट में साड़ी लेके आए। इस कर्टेन को बैक साइड रखेंगे और साड़ी को फ्रंट में रखेंगे, सिर्फ सपोर्ट देके और फ्रंट में लेके आएंगे साड़ी को और फ्रंट के स्टिक के ऊपर उसको शेप दे देंगे और वो हो जाएगा ऐसे। अंदर मैट्रेस लगा के मैट्रेस को ऊपर शीट लगा देंगे, कोई बेड शीट हो आपका, कुछ भी हो वो चलेगा। कर्टन भी है, अगर वाइट कर्टन भी हो आपके पास तो वो भी आप नीचे मैट्रेस पे लगा सकते हैं। और मेरी फ्रंट की साड़ी और बैक की साड़ी थोड़ा मैचिंग कलर मैंने लिया है। बलून्स को फुला लेंगे और ये नीचे एक छोटा बड़ा बाउल लेंगे जो थोड़ा हैवी हो और उसके ऊपर जो फर्स्ट 4 बलून्स हैं उसके ऊपर स्टिक कर देंगे और उसके ऊपर और 4 बलून्स या फिर किसी भी जो भी आप शेप देना चाहें उसके ऊपर आप शेप दे सकते हैं। मैंने 4-4 के बंच बना के और 1 थ्रेड में ऊपर लगाए हैं और ये फ्रंट में आप देख रहे हैं ये 4 बलून नीचे और 3 बलून ऊपर लगाए हैं मैंने, जिससे एक शेप बन गया है फ्रंट वाले में।
कुछ मेरे पास घर में फ्लावर्स पड़े थे, मैंने उसको लगाया है थोड़ा डेकोर करने के लिए। और फ्लावर्स मैं पॉट जो लगा रही हूँ वो बिल्कुल नेचुरल है। एक लाइट है जो जिसको मैंने फिटिंग किया है, इससे थोड़ा सा डेकोर एनहेंस हो जाता है। लाइट जैसे ही आती है आप एक्स्ट्रा ऐसे खुशी भी मिलती है, जब लाइट ऑन होता है कुछ अच्छा भी दिखता है। मेरी साड़ी थोड़ा सीक्वेंस वाली है, मैं इसलिए लगाई थी कि जैसे ही रात होगा तो सीक्वेंस लाइट्स पड़ेंगी और वो सीक्वेंस भी थोड़ा शाइन करेगा, तो वो एक एक्स्ट्रा लाइट आपको मिलेगा। ये प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू। थोड़ा सा वो सीक्वेंस शाइन करना चाहिए। मेरे पास कुशन्स थे तो वो मैंने फिट किए हैं। ये जो बॉक्स है राइट साइड, इसको मैंने दुपट्टे से अच्छे से कवर कर दिया है। और ये मेरा लास्ट लुक नहीं है, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसके बाद मैंने कुछ ओरिजिनल फ्लावर्स लिए हैं और उससे मैं पाथ बनाऊंगी और कुछ कैंडल्स से पाथ बनाऊंगी, जिससे एंट्री के टाइम थोड़ा एक नया लुक होगा। आपके पास फ्लावर वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हो तो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि फ्लावर को थोड़ा कम वेस्ट किया जाए तो मैं कुछ लीव्स लेके आई हूँ। ऐसे दो तीन प्लांट से लीफ लेके आई हूँ, उसको कट करके और उससे कुछ डेकोरेशन के लिए मैंने किया है। और फ्लावर दो तीन ही लेके आई हूँ जिसके पेटल्स से मैं पाथ बना दूंगी, तो मुझे फ्लावर ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। किसी को भी सरप्राइज़ अगर ऐसा कुछ हट के दें तो उनको बहुत खुशी होती है और वो एक्साइटमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये सब करती रहती हूँ थोड़ा बहुत। किसी को चाहिए तो मैं ये करके भी देती हूँ। आपके घर में जो चीज़ें हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं उसको मिक्स करके। जैसे अगर आपके पास फ्लावर्स नहीं हैं तो उसकी जगह आप अपने दुपट्टे को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मिक्स फ्लावर लाया था, बहुत सारे फूल थे जो मुझे वेस्ट नहीं करने थे। मैं बहुत थोड़ा फूल लेके आई थी क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं और ये अगर वेस्ट होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी फ्लावर को मैं फिर से यूज़ करूँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ मैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं मैं उनको कैसे यूज़ कर लेती हूँ। फ्लावर जो मैं भगवान को भी चढ़ाती हूँ वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, कैसे करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। अभी आप, ये फाइनल लुक है मेरा। और वन मोर आई हैव वन मोर लाइट्स जिसको मैं डिस्को लाइट बोलती हूँ, वो चेंज होता रहता है। इसको मैंने ऊपर लगाया है जिससे नीचे के बैकग्राउंड जो है वो कलर चेंज होता रहे, ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप ये फाइनल डेकोर देख के आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ हो गया आज ये सरप्राइज स्पेशल। और ये जो कैंडल स्टैंड है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस पे नीचे पानी है जिसको मैंने वाटर कलर से कलर किया है और इसको स्टैंड ही बना दिया है। फ्लोटिंग कैंडल्स हैं जिसको मैंने पेटल्स और लीफ को कट करके या फिर छोटे छोटे लीव्स जो होते हैं उनको, गुलमोहर के जो लीफ आते हैं वो, ये सब पानी के ऊपर फ्लोट करके और उसके ऊपर मैंने कैंडल को फ्लोटिंग कैंडल बना दिया है। ऐसे बनाते हैं फ्लोटिंग कैंडल, सस्ता टिकाऊ।
Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share. Thanks a lot. Milte hain next video mein. Tab tak ke liye, take care and bye bye. Enjoy your life! Enjoy करो भाई, होली आने वाली है, होली। और होली में मैं क्या करती हूँ ये जल्द ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। So are you ready for next video? Next to next to next होगा।